बात करने वाले स्कॉटलैंड 11 वर्सेस इंग्लैंड 11 के बीच होने वाले आज के सेकंड ईसीसी टी10 मैच के बारे में, जो कि शाम को 5 बजे खेला जाने वाला यहां पे जो मैच होने वाला है कैरतामा के ओवल की स्पेन के मैदान को होने वाला। यहां पे आपको आखिरी के 5 मैचेस में 90 से 110 रन के बीच का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करी, यहां पे कल के दिन में इंग्लैंड की टीम ने चौथा जो टी10 मैच था वहां पे 175 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि यहां पे 130 से अगर कम स्कोर बना पहले बल्लेबाजी करते हुए तो वो टीम इजिली मैच हार सकती है, यानी कि पूरी तरीके से हाई स्कोरिंग गेम होने। देखो इंग्लैंड की टीम शुरुआती 4 मैचेस हारने के बाद 2 लाइन से मैचेस जीत करके आ रही है। स्कॉटलैंड की टीम ने भी इस सीजन में अपने 6 मैचेस खेले, उससे से 3 मैचेस जीत करके रही, 3 मैचेस हार करके रही है। पहला हारी, दूसरा जीती, तीसरा हारी, चौथा जीती, पांचवा हारी, छठा जीती, तो आपके मैच कहीं ना कहीं हारने वाला हो सकता है इस एनालिसिस के हिसाब से। तो मैं आपको ये कहूंगा कहीं ना कहीं इंग्लैंड के प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करके टीम बनाने वाले। आज की इस वीडियो को तो मैं आपको एक एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस बताऊंगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। आपको अपनी फैंटेसी टीम में किसको लेना चाहिए, कौन से 11 प्लेयर्स आपके लिए रिस्की हो सकते हैं लेकिन एक अच्छी टीम रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। बस आपको करना क्या है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको अभी तक हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि 100 जाने का लाइनअप आ जाने का जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल ही देखने को, वहां पे ज्वाइन होना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम सर्कल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखो मिलेगा, ना मिले तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में जाना। सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखो मिल जाएगा, वहां भी ना मिले तो आप सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाना, वहां पे सर्च मार लेना @RVD चैंपियन, आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखो मिल जाएगा, वहीं पे ज्वाइन कर लेना। वहीं पे मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजों के साथ अपनी फाइनल टीम आपको सबसे पहले शेयर कर दूंगा। सबसे पहले यहां से बात कर लेते हैं अपने स्कॉटलैंड की टीम के बारे में। देखो बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा ओ हेयर, जो कि आखिरी मैच से पहली बॉल पर अपना विकेट गवा चुका है। उसके साथ ओपनिंग करेगा जैक जार्विस, जो कि हर मैच में बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा कर रहा है और बल्लेबाज में भी ओपनिंग कर रहा है। तो इस मैच के लिए आपके लिए 1 कैमरा फॉर्मूला स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी जगह के लिए नंबर 1 प्लेयर रहेगा जैक जार्विस, क्योंकि बल्लेबाजी भी कर रहा है और गेंदबाजी भी करके दे रहा है। वहीं अगर आप चाहो तो ओ हेयर को लेकर के चल सकते हो। एक मैच ऐसा गया जहां इसने 71 रन की पारी खेल करके दिया है, बाकी बचे हुए सभी मैचेस में फ्लॉप हुआ है। एल नेयर की बात करें, आखिरी मैच हमें क्लीन स्विप कराने काफी अच्छी मदद किया हुआ है, आप चाहो तो इसको लेकर के चल सकते हो। मैं आपको एक चीज कहूंगा, देखो आपको याद फिर लेकर के चला है एल नेयर को या फिर आपको याद से लेकर के चला है ओ हेयर्स को, ये दोनों में से आपको किसी एक ही प्लेयर को लेकर के चलना है। पहला रीजन कि स्कॉटलैंड की टीम मैच हार सकती है, दूसरा रीजन दोनों ऐसे प्लेयर जो कि हर बॉल पे सिर्फ और सिर्फ छक्के चौके मारने को जाएंगे, और तीसरा रीजन कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओ एल नेयर जो एक ऐसा प्लेयर जो कि या फिर बहुत लंबी पारी खेलेगा या फिर अपना शुरुआती 4-5 बॉल में ही अपना विकेट गवा के चला जाएगा। उसके बाद यहां से मैं तैमूर अहमद को लेकर के चलूंगा नहीं, सी मैकब्राइड को लेकर के चलूंगा नहीं, क्योंकि बल्लेबाज में 5वें नंबर पर आ रहा है। एक मैच इसने बल्लेबाज में ओपनिंग आकर के 56 रन की पारी खेला, बाकी बचे वो चारों ही मैचेस में फ्लॉप गया। के सज्जद का बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है, 6 नंबर करीब बॉलिंग मिल नहीं रहा तो इसको लेकर के चलूंगा नहीं। सी गार्डन और भी नीचे आ रहा है, 7 नंबर करीब बॉलिंग मिल नहीं रहा है तो इसको भी लेकर के नहीं चलूंगा। जे होगाट की बात करो, हर मैच 2-2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है और इसको विकेट भी मिल रहा है, स्पिनर बॉलर आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। ई वायस जो कि अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहा है, अगर पहले बॉलिंग होगी स्कॉटलैंड की टीम का तो आपके लिए जरूरी प्लेयर बन सकता है, लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग होगी तो फिर मैं इसको अपनी टीम से मिस करके चल सकता हूं, जो कि कप्तानी भी कर रहा है, हर मैच 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है। पहले मैच हमें अपने दम का जिताया भी हुआ था जहां पे 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 2-2 विकेट मिले हुए थे। ए नील्स की बात करो, आखिरी मैच 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 2-2 विकेट मिले हुए हैं। अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप ए नील्स को लेकर के चल सकते हो, क्योंकि आखिरी ओवर में बॉलिंग करेगा, 10वां ओवर अक्सर इसको बॉलिंग मिलता है, तो ये चीज के ऊपर फोकस करना। आखिरी के ओवर में बॉलिंग करेगा, अगर पहले बॉलिंग हो रही है स्कॉटलैंड की टीम का तो लेकर के चलना, लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग हो रही होगी तो मैं इसको लेकर के नहीं चलूंगा। बी क्यूरी की बात करूं, किसी भी मैच में विकेट ज्यादा मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक ही मैच है 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 2 विकेट मिले, बाकी बचे चारों ही मैचेस में फ्लॉप गया तो इसको लेकर के नहीं चलूंगा। मैं जरूरी प्लेयर्स की बात करूं, मुझे लगता है आपके लिए जैक जार्विस जरूरी प्लेयर रहेगा, उसके बाद एल नेयर और ओ हेयर में से किसी एक को लेकर के चलना है, उसके बाद आप सीधे यहां से बॉलिंग ऑप्शन आ जाना। जैक होगाट आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, आप चाहो तो ये नील और यहां से बी क्यूरी में से किसी एक को मैक्सिमम लेना, दोनों को अपनी एक साथ किसी भी जीएल या फिर स्मॉल लीग में लेकर के मत चलना। बात कर अपने बेंच के प्लेयर्स की, अगर इनमें से कोई भी खेल रहा होगा तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मैं 100 जाने का लाइनअप आ जाने का तो अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में शेयर करूंगा, तो ज्वाइन होना बिल्कुल ही मत भूलना। आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि 100 जाने का लाइनअप आ जाने का जो भी मेरे खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल देखने को मिल जाएगी, वो भी फ्री में। यहीं पे मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजों के साथ अपनी फाइनल टीम शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम सर्कल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में
से सबसे वह पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा। ना मिले तब सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर्वर ज्वाइनर आपके मस्त पिक होने लगा। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा देख सकते हो, पहले से बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर जाना। मान लो कोई नया प्लेयर खेल रहा होगा तो उसका भी जो एनालिसिस होगा वो भी मैं अपने टेलीग्राम सर्वर आपको फ्री में शेयर कर दूंगा। वहीं अगर बात करें अपने इंग्लैंड की टीम के बारे में, देखो एच वॉट जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग कर रहा है, मैंने आपसे कहा था प्लेयर बहुत ज्यादा हाई लेवल के, देख सकते हो 39 रन 27 रन आखिरी के दोनों मैचेस जहां पे इंग्लैंड की टीम जीत कर खड़ी है, दोनों मैचेस में आप इसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला हुआ। बी क्लेदन, मैंने आपसे शुरू में कहा था, शुरू में बल्लेबाज में पांचवें नंबर पे आ रहा था, देख सकते हो तीनों ही मैचेस में फ्लॉप गया। लेकिन जैसे ही इसको बल्लेबाज में प्रमोट किया गया और ओपनिंग दिया गया, पहले ही मैच बॉलिंग से और बल्लेबाज दोनों चीज से कमाल की पारी खेल करके दिया हुआ है। अब जो है बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा कर रहा है, अब बल्लेबाजी में भी ओपनिंग के लिए आ रहा है। आखिरी मैच 4-4 विकेट भी लिया हुआ है, बल्लेबाजी से भी 35 रन बना करके दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था प्लेयर काफी हाई लेवल का है, बस मौका मिलने की देरी है, मौका मिला परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। तो ये आपके लिए इस मैच के लिए कैप वाइज के लिए भी नंबर वन चॉइस बन सकते हैं, जिस तरीके से आखिरी के तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। डी लिंकन की बात करो जो कि मेनली एक ओपनर प्लेयर है, लेकिन अपनी कप्तानी के अंदर अपने आपको डिमोट किया हुआ है और मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन भी है। बल्लेबाज में तीसरे पे आ रहा है, आखिरी के तीन मैचेस में 2 मैचेस के अंदर एक में 42 और एक में 60 रन की पारी खेल करके दिया हुआ है। जरूरी प्लेयर है ऐसा विकेट के पास खेल रहा है, तो ये तीनों के तीनों इस समय फॉर्म में, तीनों ही नहीं आखिरी के दोनों मैचेस में अपनी टीम को जिताने में बहुत बड़ी मदद किया हुआ है। तो ये तीनों प्लेयर्स आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेंगे। उसका तो ए रिसो हर मैच में 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा, विकेट टेकने वाला रहे, प्लस बल्लेबाजी में भी आपको 10-15-20 रन इजिली बना करके दे दे रहा, तो एज ऑलराउंडर ये भी आपके लिए काफी अच्छा प्लेयर रहने वाला है। टॉम बेवन को लेकर के चलूंगा नहीं क्योंकि बल्लेबाज में काफी नीचे आ रहा है, प्लेयर काफी अच्छा आखिरी के दोनों मैचेस में रन बना करके दिया हुआ है, बाकी मैं इसको लेकर के नहीं चलने वाला क्योंकि बल्लेबाज में काफी नीचे आ रहा है। ई कैलिस को बिल्कुल भी नहीं लूंगा, और भी नीचे आ रहा है बल्लेबाज। टॉम किस का भी सेम हो या बल्लेबाज में काफी नीचे आ रहा है, बॉलिंग कर दे रहा है। एस पियर्स जो कि एक स्पिनर बॉलर है, अगर इसको बॉलिंग से 2 ओवर पूरा मिल जाए ना तो अपने दम को टीम को जिता करके ले जा सकता है। पहले मैच 1 ओवर बॉलिंग का 1 विकेट भी मिला, दूसरे मैच भी 1 ओवर बॉलिंग का 1 विकेट भी मिला, तीसरे मैच बॉलिंग मिला नहीं तो परफॉर्मेंस कर नहीं पाया, और चौथे मैच 2 ओवर बॉलिंग किया 2 विकेट लिया, तो पांचवें मैच में बॉलिंग मिला नहीं, आखिरी मैच में सिर्फ 3 बॉल बॉलिंग करने का मौका मिला, यानी कि विकेट टेकने वाला रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये बॉलिंग करेगा तो बिना कुछ सोचे आपको लेकर के चलना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉलिंग नहीं करने वाला तो फिर आप मिस करके चल सकते हो। एलेक्स रसेल की बात करो, अच्छा बॉलर है लेकिन आखिरी के मैचेस में इसको भी कम बॉलिंग मिला है। एक गोत्साल आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, हर मैच 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है और एक मैच ऐसा भी गया जहां पे 40 रन की पारी भी खेल करके आया हुआ है, और बॉलिंग से भी यहां पर भी इसने 2 विकेट लिए, यहां पर भी 1 विकेट मिला, यहां पर भी 2 विकेट मिला हुआ है, तो जरूरी प्लेयर रहेगा ऐसा बॉलर आपके लिए काफी अच्छा प्लेयर रहने वाला। एम रसेल आखिरी के 2 मैचेस में हर मैच 2-2 ओवर बॉलिंग मिला, आखिरी मैच 2 विकेट, उससे पहले 1, यानी कि आपको करना क्या, आपको या फिर रसेल को लेकर के चला है जिसको शुरू के मैचेस में बॉलिंग मिल रहा था, या फिर आपको एम रसेल को लेकर के चलना है, ये दोनों में से आपको किसी एक प्लेयर को लेकर के चलना है। मैं जरूरी प्लेयर्स की बात करूं, आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा बी क्लेदन, डी लिंकन, उसका तो ए रिसो, आप यहां से एच वॉट को लेकर के चल सकते हो, एच वॉट और टॉम बेवन में से किसी एक को लेकर के चलना है, जो भी प्लेयर आपको ज्यादा अच्छा लगा आप उसको लेकर के चल सकते हो। मुझे लगता है आपके लिए टॉम बेवन ज्यादा अच्छा, सॉरी एच वॉट आपके लिए ज्यादा अच्छा प्लेयर रहने वाला है। उसके बाद यहां से बॉलिंग ऑप्शन है, आपको करना क्या कि एक गोत्साल को तो लेकर के चलना ही चलना है। अब आपको सोचना है एलेक्स रसेल को लोगे या फिर एम रसेल को लोगे, मुझे लगता है आपके एम रसेल ज्यादा अच्छा प्लेयर रहने वाला है। एस पियर्स को तब ले सकते हो जब आपको लग रहा हो कि ये 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, 1 ओवर भी अगर बॉलिंग मिल गया तो वहां पर 1 विकेट आपको लेकर के दे सकते। बाकी ये जो प्लेयर्स है इनमें से अगर कोई खेल रहा होगा तो इसका इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आपको हमारे टेलीग्राम से आपको फ्री में देखने मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम से का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम से का लिंक देखने मिल जाएगा, वहीं पर मैं अपनी खुद की फाइनल टीम शेयर कर दूंगा, जिस टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा। टेलीग्राम सर को ज्वाइनर अपने मस्त पिक होने लगा, आपको हमारी खुद की फाइनल टीम चाहिए। देखो अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने एनालिसिस के बेस पर इस तरीके की फैंटेसी की टीम बनाई हुई है, इसमें जो भी चेंजेस होगा वो आपको टॉस होने के बाद मालूम चल सकता है। टॉस होने का लाइनअप आने का जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम से को आप फ्री में देखने मिल जाएगा, ज्वाइन होना मत भूला। टेलीग्राम से का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। बात करें देखो आखिरी के 9 महीने से लगभग मैं पूरे पैसे जो 11 चैलेंजेस पे लगा रहा हूं, 11 चैलेंजेस से आपको पैसे लगाने का रीजन ये है कि यहां पे फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन आपको सबसे ज्यादा लो एंट्री फीस देखने को मिलेगा, यहां पर मेरे कहने पर एक बार अपने 1000 रुपए लगाओ, बिना हारी आपको 100 रुपए बचा लोगे, सिर्फ एंट्री फीस के रूप में 10,000 रुपए लगाओगे तो बिना हारी आपके 1,000 रुपए बचा लोगे, सिर्फ एंट्री फीस के रूप में। जिस भी मैच जिस
एप्लीकेशन पर पैसे लगाता हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके अलावा इसका रीजन यही है कि यहाँ के यूट्यूबर्स को टारगेट करने लो, जिससे कि हमारी टीम के 11 चैलेंजेस पर जीतने के चांसेस और भी ज्यादा रहेंगे। एज कम्पेयर दूसरे फैंटेसी एप्लीकेशन के हिसाब से 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो अभी कभी वहां से डाउनलोड करके मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। मैं इस मैच के अंदर अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजेस पे लगाने वाला, तो अभी ज्यादा यहाँ पे खेला आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।